अस्सलाम वालेकुम जी, मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब विच दी हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान एंड सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान। मैं हिस्ट्री की खोज लाते हुए अज मैं पहुंचा वहाँ पेशावर, और पेशावर के विच मैं पुराना जिहड़ा मोहल्ला है उहदे विच आया वहाँ। चांदी गली ठंडा खुई जगह का नाम है, चांदी गली और ठंडा खुई, और पेशावर दे विच मैं इस वेले जिहड़ा हिस्टोरिकल 95 ईयर्स ओल्ड जिहड़ा पुराना खालसा हाई स्कूल है, खालसा प्राइमरी स्कूल है, इत्थे ओवे इहदे एविडेंस दिखा रहा वहाँ। खंडा साहिब एक ओंकार, फिर अगे गुरु खंडा, और ए थले रोशनी की वजह नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लिखा हुआ है खालसा प्राइमरी स्कूल श्री गुरुद्वारा सिंह सभा पेशावर शहर, यह लिखा हुआ है। समात 453। बड़ा खूबसूरत और बड़ा इंटायरली डिफरेंट आर्किटेक्चर है, जिहड़ा कि मैं तमाम खालसा हाई स्कूल जोड़े दिखाए ने पंजाब के, उन्होंने तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। और आर्किटेक्चर तुसी देखो बहुत खूबसूरत है, कॉम्बीनेशन है मुस्लिम और सिख आर्किटेक्चर का। ए बेस देखो तुसी जरोके दी, वुडन जरोका, और उस तो बाद दे फर्स्ट फ्लोर का तो डिजाइनिंग बहुत खूबसूरत है। अजकल ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है। ये खालसा प्राइमरी स्कूल पेशावर, चांदी गली ठंडी खुई, सिर्फ हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ पाकिस्तान, सिर्फ गुरुद्वारा एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान, सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान, पंजाब पेश द हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान। बहुत वधिया और बहुत प्यारी बिल्डिंग, हले थोड़ी जी मेंटेनेंस की जरूरत है, और बिल्डिंग बड़ी अच्छी हालत में है। और दसिया जा रहा है कि जिन्हों ने यह स्कूल बनवाया सी उन्हों का कार भी बिल्कुल सामने में। और अज के सफर च मेरे नाल उस्ताद बलबीर जी, और नाल बाबा गुरपाल साहब ने, न्यू बाबा जी, साढ़े न्यू बाबा जी वैसे पुराने ने, तो यह उन्होंने कार सी जिहड़े वीर होना ने यह सेवा की सी खालसा स्कूल की। ये पेशावरी सिंह है, यह उन्होंने वीर जी होर का कार है जिन्होंने इस स्कूल की सेवा की सी। मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी, सेव हिस्टोरिकल प्लेसिस ऑफ पाकिस्तान, सेव गुरुद्वारा एंड टेंपल्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब पेज द हेरिटेज ऑफ पाकिस्तान, पेशावरी सिंह, तमाम पेजिस के नाल मैं थोड़ा अपना होस्ट बाबा जी। फिर देखते रहो सिख पीरियड फुटस्टेप्स इन पाकिस्तान।